नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल चैनल में। और हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि आपका मोनेटाइजेशन किस प्रकार से एक्टिवेट करवाएं। देखिए मैं आपको सबसे पहले तो आपको सबको बधाई देना चाहता हूं जिनका मोनेटाइजेशन कल 15 अगस्त को एक्टिवेट हो चुका है और कईयों का हमारा 9 अगस्त को एक्टिवेट हो चुका है। कई लोगों का मैसेज आया था कि सर हमारे काफ़ी समय से अंडर रिव्यू में पड़ा, हम क्या करें। तो मैंने उनको यही सजेशन दिया था कि आपके ऐसा कोई भी वीडियो है जिसके अंदर कोई कॉपीराइट कॉन्सेप्ट है, या आपने किसी प्रकार का कोई सॉन्ग्स का इस्तेमाल किया है, या आपने किसी का टैग इस्तेमाल किया है, तो आप उन वीडियो को तुरंत ही डिलीट कर दीजिए। और जैसे ही उन्होंने अपने वीडियो को डिलीट किए तो उनका मेरे पास एक मैसेज आया था जो उन्होंने बताया कि सर हमारा मोनेटाइजेशन एक्टिवेट हो चुका है, अनेबल हो चुका है। तो सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने मेरे कहने पर ये वीडियो अपने डिलीट किए और उनको मोनेटाइजेशन उनका अनेबल हो चुका है, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपका भी मोनेटाइजेशन एक्टिवेट नहीं हुआ है तो आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो आप करेंगे तो हो सकता है आपका तुरंत ही मोनेटाइजेशन एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि YouTube के पास अभी किसी प्रकार की कोई पेंडिंग इतनी नहीं है जिसको वो अनेबल करे। थोड़े बहुत हैं जिसको वो बारीकी से चेक कर रहा है। अगर आपके इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट के अंदर या कोई वीडियो के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप उनको तुरंत इस वीडियो को में देखकर उनको तुरंत ही रिमूव कर दीजिए और आपका मोनेटाइजेशन भी तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए वह सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिनका मोनेटाइजेशन एक्टिवेट हो चुका है और उन्होंने मेरे कहने पर अपने वीडियो में से कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ें डिलीट करी जो कि उनको नहीं रखनी थी। कईयों ने मुझे बताया कि सर हमने हमारे टैग ऐसे इस्तेमाल कर रखे थे, कुछ डिस्क्रिप्शन में हमने ऐसे यूट्यूबर्स का बड़े बड़े फेमस यूट्यूबर्स के टैग हमने डाल रखे थे जिसकी वजह से हमारा वीडियो सर्चिंग में आता था और हमारे वीडियो में खूब लाइक्स वगैरह कमेंट्स वगैरह खूब हमें व्यूज़ मिलते थे और खूब हमारा वॉच टाइम इंक्रीज़ हो जाता। तो मैंने उनको तुरंत ही यही चीज़ बोली कि आप उन टैग्स को तुरंत डिलीट कर दीजिए और आपका मोनेटाइजेशन अनेबल हो जाएगा। यूट्यूब नहीं चाहता कि आप इस प्रकार की कोई अनवांटेड चीज़ें रखें जिसकी वजह से आपके वीडियो के अंदर किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो। तो उन्होंने तुरंत ही इस वीडियोस को डिलीट कर दिया। मैंने उनको यही सजेशन दिया था कि आप, क्योंकि आप अपना खुद का कॉन्सेप्ट रखिए, आप उसके अंदर खुद का ही टैग लगाइए, आप अपने वीडियो के अंदर खुद के टैग लगाइए, उसके डिस्क्रिप्शन में ये लिखिए, उस वीडियो के बारे में एक्सप्लेन करिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर, और किसी फेमस यूट्यूबर्स का अगर आपने टैग उसके अंदर लगा रखा है तो आप उसको तुरंत रिमूव कर दीजिए। तो उन्होंने रिमूव कर दिया और उनका अनेबल हो चुका है मोनेटाइजेशन। कल 15 अगस्त को उनका मैसेज मेरे पास आया, उन्हीं की वजह से उनको ही धन्यवाद देने के लिए मैंने ये वीडियो आपका आज क्रिएट किया है। और देखिए कई लोगों को मुझे ये बताया था कि उन्होंने थंबनेल जो है गूगल से डाउनलोड करके और वो थंबनेल अपने वीडियो के अंदर लगा रखा था। तो मैंने उनको यही सजेशन दिया कि आप ये थंबनेल भी अपना तुरंत ही रिमूव कर दीजिए, आप अपना खुद का थंबनेल क्रिएट करिए, या वीडियो में से अपना कैच करिए, वीडियो में से अपना कट करिए थंबनेल और आप उसको थंबनेल के अंदर यूज़ करिए। तो उन्होंने भी अपना ऐसा ही किया और उनका भी मेरे पास मैसेज आया, तीन लोगों का अनेबल हो चुका है। उन्होंने थंबनेल कुछ ऐसी 8 या 10 वीडियोस के अंदर थंबनेल ऐसी यूज़ कर रखी थी कि जो गूगल से डाउनलोड कर रखी थी, और उनका भी मेरे पास मैसेज आया कि उनका 9 अगस्त को मोनेटाइजेशन अनेबल हो चुका है। तो देखिए दोस्तों सभी लोग आप बधाई के पात्र हैं जिन्होंने मेरे कहने से इस प्रकार से अपने वीडियो के अंदर चेंजेस किया, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अभी YouTube के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, YouTube बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो YouTube पे आना चाहते हैं उनके लिए भी ये मैसेज है, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो के ऊपर आए हो तो देखिए हम बिल्कुल कंप्लीट जानकारी देते हैं आपको, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आप किसी प्रकार की कोई समस्या में ना पड़े। देखिए दोस्तों YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने विचार को, अपने जो हुनर है आपके अंदर, उसको आप पूरी दुनिया के सामने रख सकते हो, और उसके साथ साथ आपको वो कुछ पैसा भी प्रोवाइड करता है। हाँ देखिए आप बस यही है कि आप अपने सटीक इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन जो भी आप दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट देनी है, किसी प्रकार की कोई मिसगाइड नहीं करना है किसी भी यूज़र को, और जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, चाहे वो डांस से संबंधित हो, चाहे वो खाने से संबंधित हो, चाहे वो टेक से संबंधित हो, टेक्निकल चैनल से संबंधित हो, चाहे वो किसी मेडिकल से संबंधित हो, वो आप इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट देते हो तो आप ये मान लीजिए आपको मोनेटाइजेशन अनेबल होने को कोई भी नहीं रोक सकता।
और आप उसका मोनिटाइजेशन 101% अनेबल होगा। देखिए अनेबल करने के लिए अभी भी काफ़ी लोगों को मेरे पास मैसेज आया कि सर हमारा मोनिटाइजेशन अभी भी पेंडिंग है, हमारा 3 महीने से रिव्यू में चल रहा है, हमारा 2 महीने से रिव्यू में चल रहा है। कईयों ने ये मुझे बताया कि हमारा 45 डेज से हमारा चैनल अंडर रिव्यू चल रहा है, तो हम क्या करें। तो देखिए सबसे पहले आपको यही चीज़ चेक करनी है कि आपने जितने भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे 15 हो, या 100 हो, 100 अबाउ हो, जो भी वीडियोज़ हो, आप सभी वीडियोज़ को 1 by 1 करके अपने पर्सनल स्तर पर आप उसको चेक करिए। चेक करने का मतलब है दोस्तों कि सबसे पहले तो आप अपना थंबनेल चेक करिए कि जो आपने थंबनेल यूज़ कर रखा है वो वीडियो के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अकॉर्डिंग का मतलब यह हुआ कि जो आपने थंबनेल यूज़ कर रखा है वही इन्फॉर्मेशन आपने क्या वीडियो में प्रोवाइड की है या नहीं की। आप उसको सभी को ये चीज़ देखिए, क्योंकि देखिए ये दो चीज़ डिसाइड करती है, थंबनेल और आपका जो उसका टाइटल होता है, यानी कि थंबनेल और टाइटल दो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ही आपका वीडियो को पूरा डिपेंड करता है। अगर आपका थंबनेल सही होगा, सटीक होगा, तो आपके वीडियोज़ को देखा जाएगा, आपके व्यूज़ बहुत ही जल्दी से बढ़ेंगे और आपके सब्सक्राइबर भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। इसी प्रकार से अगर आपने जो उसका टाइटल रखा है, अगर वो टाइटल बिल्कुल उसके मैच करता होगा, बिल्कुल सटीक होगा, इन्फॉर्मेशन से संबंधित होगा, तो उसको तुरंत ही ये मान लीजिए आपके व्यूज़ और आपके वॉच टाइम इंक्रीज होते जाएंगे। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, आपको ये करना है कि आपको अपने वीडियोज़ के अंदर जाना है और आपके वीडियो को 1 by 1 करके आपको सारा चेक करना है कि आपके वीडियो के अंदर किसी प्रकार का आपने कोई कॉपीराइट कॉन्सेप्ट तो नहीं इस्तेमाल कर रखा, कोई कॉपीराइट सॉन्ग्स तो नहीं इस्तेमाल कर रखा। कई लोगों ने हमें ये बताया कि देखिए दोस्तों हमने 30 सेकंड का हमने सॉन्ग्स हमारे वीडियोस के अंदर इंक्लूड कर रखा है, तो मैंने उनको मैसेज में यही रिप्लाई किया कि आप उसको तुरंत ही रिमूव कर दीजिए उस वीडियो को, या उस सॉन्ग्स को आप म्यूट कर दीजिए, या उस सॉन्ग्स को आप वहाँ से हटा दीजिए। तो उन्होंने हमारे कहने से उस सॉन्ग्स को म्यूट कर दिया और वहाँ से रिमूव कर दिया। 30 सेकंड का भी आप सॉन्ग्स इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप उस सॉन्ग्स को तुरंत ही रिमूव कर दीजिए, क्योंकि आप 30 या 5 सेकंड का भी सॉन्ग्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये कॉपीराइट के एक्ट के अंदर आता है। क्योंकि अगर आपको अभी फर्स्ट तो क्या आपका मोटिव है कि आपको अपना मोनिटाइजेशन अनेबल कराना, जब आपका मोनिटाइजेशन अनेबल हो जाएगा तो आप चाहे 5 सेकंड का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर, उसके बाद की बातें हैं। सबसे फर्स्ट तो ये है कि आपका मोनिटाइजेशन अनेबल किस प्रकार से होए और आप उसके लिए क्या क्या करें। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा काम हमारे मोनिटाइजेशन को अनेबल कराना, अनेबल होगा तभी हम प्लेटफॉर्म पे बने रह पाएंगे यूट्यूब के ऊपर, और हमारा मोनिटाइजेशन ही अनेबल नहीं होगा तो हम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से आउट हो जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इन होने के लिए उसके नियम के अनुसार काम करना है, तो उसका नियम यही है कि हमें किसी प्रकार का कोई भी 30 सेकंड का हो, चाहे वो 5 सेकंड का हो, चाहे वो 10 सेकंड का हो, किसी प्रकार का कोई सॉन्ग्स हमें इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरा दोस्तों हमें किसी के वीडियोस को चुरा कर नहीं डालना है। कई लोग क्या करते हैं, वीडियोस को छोटे छोटे क्लिप्स निकाल देते हैं अपने वीडियो को फेमस करने के लिए, वो वीडियो को उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं और असेंबल करके वो उसको पब्लिश कर देते हैं। देखिए हमारा पब्लिश करने का मतलब ये होता है कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करते हैं और जब वो पब्लिश होता है हमारा, तो उस पब्लिश के टाइम पर क्या होता है, यूट्यूब से स्कैनिंग होती है दोस्तों। स्कैनिंग क्या करता है वो कि ये किसी का कॉपीराइट वीडियो तो नहीं है, या इस वीडियो के अंदर किसी प्रकार का कोई कॉपीराइट सॉन्ग्स तो नहीं है, इस प्रकार से वो उस चीज़ को स्कैनिंग करता है। और स्कैनिंग करते ही वो आपके पास तुरंत, जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाता है, तुरंत आपके पास एक इंटीमेशन आ जाता है, एक मैसेज आ जाता है आपके ईमेल के ऊपर कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट आपने इस्तेमाल किया है ये कॉपीराइट है, या ये वीडियो आपने जो इस्तेमाल किया है ये कॉपीराइट है, आप इसको या तो रिमूव कर दीजिए, और या फिर आप उस जिसका ये यूज़र का है आप उससे कन्फर्म करके आप करिए बात, जो भी करनी है आपको। जैसे ही आपके इसके पैसा इनकम होगा इस वीडियोस के, तो वो उसके ओनर के पास चला जाएगा। इसको बोलते हैं मेरेंट आईडी। यूट्यूब कैसे पता लगाता है कि ये किसका वीडियो है? यूट्यूब के पर सेकंड के अंदर, पर मिनट के अंदर करोड़ों वीडियो अपलोड होते हैं, यूट्यूब इसको कैसे पता लगाता है? देखिए दोस्तों इसको कहते हैं कंटेंट आईडी। बड़े बड़े फेमस यूट्यूबर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये क्या करती हैं, एक कंटेंट आईडी लेती है यूट्यूब से, कंटेंट आईडी लेती है, उस कंटेंट आईडी पे ये सारे वीडियोस या अपने म्यूजिक या जो भी अपने वॉइस हैं या अपने थंबनेल्स हैं, जो भी फोटोग्राफ्स हैं, वो अपने स्टोर कर देती हैं और वो डाउनलोड करके अपने वीडियोज़ में अपलोड करता है। तो तुरंत ही वीडियोज़ उसको, यूट्यूब को ये चीज़ पता लग जाता है कि ये कंटेंट आईडी इस यूज़र की है और उन्होंने ये चुराई है, और वो उसके पास तुरंत ही ऑटोमेटिकली मैसेज उसके पास चला जाता है। तो देखिए आपको ऐसा भी कुछ नहीं करना है जिससे कि आपके वीडियोज़ के अंदर कोई कॉपीराइट लगे या आपका कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस की आपकी स्ट्राइक आए। तो सबसे पहले मेन चीज़ तो है आपको स्ट्राइक से बिल्कुल ही दूर रहना है।
दूर रहने का मतलब है दोस्तों कि ना तो आपको किसी प्रकार का कोई इसके अंदर कॉपीराइट एक्ट डालना है, ना वीडियोज डालना है, ना आपको थंबनेल डालना है, और ना ही किसी का आपको लोगो चुराना है, और ना ही आपको अपना टाइटल किसी का कॉपी करके डालना है। जो भी करना आपको खुद का ही कॉन्सेप्ट रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ज़रूर चैनल अनेबल हो जाएगा। देखिए बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या करते हैं क्या नहीं करते उससे हमें कोई लेना या देना नहीं है। हमें फर्स्ट ऑफ क्या है, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अगर आप आना चाहते हो तो आपको ये नियम का पालन करना पड़ेगा। आपको अपना पहले अनेबल मोनेटाइजेशन अनेबल कराना है तो आपको साफ़ सुथरा ही काम करना पड़ेगा दोस्तों। और मैं तो ये कहता हूँ साफ़ सुथरा अभी क्यों, अनेबल कराने के टाइम पर ही क्यों। आप लंबे समय तक अगर यूट्यूब बनाए रहना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल ही साफ़ सुथरा ही काम करना पड़ेगा। और जहाँ तक हो सके दोस्तों कि आप अपने फेस के साथ अपना वीडियो बनाइए। अगर आप फेस के साथ अपना वीडियो बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, यूट्यूब उसको तुरंत ही अनेबल करता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर फेस के साथ अगर आप नहीं बनाएंगे वीडियो तो यूट्यूब उसको अनेबल नहीं करेगा, उसको भी अनेबल करेगा। लेकिन उसमें एक शर्त है कि आपका वॉइस आपका खुद का होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका खुद का होना चाहिए, वीडियो आपका खुद का होना चाहिए। अगर आप फेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भी आपको यूट्यूब अनेबल करेगा। देखिए दोस्तों नया अपडेशन ये आया है यूट्यूब का कि उसके पास पेंडिंग बहुत कम है, अब वो उन्हीं चैनल्स को अनेबल जल्दी करेगा जिसका वॉच टाइम अलग है और जिसके सब्सक्राइबर और व्यूज़ सबसे ज़्यादा है, उनको वो तुरंत ही अनेबल कर रहा है। तो आपसे मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप वीडियो को डालते जाइए, अपलोड करते जाइए आप, और जो भी इसके अंदर कॉपीराइट आपने वीडियो डाल रखा है या कॉन्सेप्ट आपने डाल रखा है उसको तुरंत रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद में आप देखिए कि आपको 5 या 7 या 10 दिन के अंदर आपको उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा और आपका मोनेटाइजेशन अनेबल हो जाएगा। और दोस्तों इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपका दोस्तों मोनेटाइजेशन अनेबल हो जाए तो आप मैसेज करके ज़रूर बताइएगा मुझे। अब वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और आप नए यूट्यूबर्स हैं और आपने पहली बार हमारा चैनल देखा है तो आपसे दोस्तों यही उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम भविष्य में आपको और भी बेहतर जानकारी दे सकें।